लालकुआं प्रदेश सरकार द्वारा लालकुआं वासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए जारी किए गए शासन आदेश में सर्कल रेट अत्यधिक लगाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। यहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में दर्जनों आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे ने कहा कि सरकार ने लालकुआं वासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए मालिकाना हक का शासन आदेश जारी कर दिया, वो स्वागत योग्य है, लेकिन नगर के अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी शासन आदेश में जमीन के सर्कल रेट इतने अधिक कर दिए गए हैं कि जिससे गरीब लोग अत्यधिक चिंतित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2000 का सर्कल रेट के शासन आदेश को पलटते हुए भाजपा सरकार ने 2004 के सर्कल रेट लालकुआं के लोगों के लिए लगाया है, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि लालकुआं वासियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी इस शासन आदेश का कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा जारी किया सर्किल के शासन आदेश को वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी पूरे क्षेत्र एवं प्रदेश में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। पार्टी के सभी साथियों ने यहाँ पे जो पुतला दहन किया गया है सरकार का, वो इस व्यापी किया गया है कि जो सरकार ने सर्किल रेट इतना अधिक बढ़ा रखा है, हम चाहते हैं उसका विरोध हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 2000 सन जब हमारा उत्तराखंड बना था, हम चाहते हैं 100 गज के जो लोग हैं, 100 गज का जो प्लॉट पे जिनकी रजिस्ट्री हुई हो रही है, उनको फ्री करा जाए, और जो इससे ऊपर है 100 गज से ऊपर वाले हैं उनको जो है 5% का वो लगा करके सरकार उनकी रजिस्ट्री कराए। 2022 का चुनाव नजर, 2022 की बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही है, जैसे कि हमारे कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और राष्ट्रीय संयोजक हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभाओं पर इलेक्शन लड़ेगी जोर शोर से, और हम सब लोग, इन लोगों ने भी यहाँ कमर कस ली, सारे यूथ ने, युवाओं ने, और यहाँ के लोगों में बहुत बड़ी हर्ष की खुशी है कि आज तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी तैयार हो गया, तीसरे विकल्प के रूप में पहला विकल्प तैयार हो रहा है, और इस बार बीजेपी और कांग्रेस को मात दे करके इस बार सत्ता बना करके यहाँ की जितनी जनता है, जनमानस है, उनको एक सुखद अनुभव देगी। बात है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि रीजन क्या है कि जब से उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड में मुजफ्फरकांड जो हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी का ही सबसे बड़ा हाथ था उस समय, सभी लोग जानते हैं मुलायम सिंह जी ने किस तरह से वहाँ पे आपका मुरादाबाद जो दौरा कांड, जो तिराहे पे जो कांड हुआ था आपका मुजफ्फरनगर कांड, तो उससे लोग आज भी लोगों के दिल में उस चीज़ को टीस है, उसको तो समाजवादी पार्टी को यहाँ कोई भी नहीं ना स्वीकार करता, ना उसे पसंद करता, ना ही आने दिया जाएगा उसे यहाँ पे, उसका तो घोर विरोध हम लोग भी खुद ही करेंगे।